हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जेएस क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज के वे सभी प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और उनको बेस्ट अप्रोच के साथ एग्ज़ाम में कैसे इनको सोल्व करें कम समय में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, तभी आपको समझ में आएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, ठीक है। तो कोई संख्या है यानी x का 20% परसेंट हटाया, नीचे 100 लगाया, ठीक है, और वो 120 के बराबर है, ठीक है। इसको हमने काटा तो 2 6 12 और ये बराबर के उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, x बराबर हो जाएगा 600, ठीक है। तो वो संख्या आ चुकी है 600। अब 600 का अपन को 120% ज्ञात करना है, तो 600 × 120% हटाया, नीचे 100 लगाया, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब 6 इससे 12 से गुणा होकर कितना हो जाएगा, 720, यानी 720 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है ए का ए परसेंट बराबर 36 हो तो ए का मान ज्ञात करना है, यानी ए का यानी गुणा है, ए का परसेंट हटाया तो 100 लगेगा नीचे, बराबर 36 के, ठीक है। तो ए से गुणा कर ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बटा में है तो उधर जाकर गुणा में हो जाएगा, ठीक है, तो 36 हो जाएगा। 3600 यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अनरूट लग जाएगा, यानी 3600 का ए की वैल्यू क्या है, 36 को अंडर रूट किसका अंडर रूट होता है, तो 6 यानी 100 का तो होता है 10, ठीक है, और ये किसका होता है, तो 6 का होता है, ठीक है। ये आपस में गुणा होकर 60 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या से 15 घटाया जाता है तो वे घटकर 80% हो जाती है, तो संख्या का 40% क्या होगा, ठीक है। कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है, 100% में से हम मतलब 80 घटकर 80 हो जाती है, यानी 100 थी और अब 80 हो चुकी है, कितना फ़र्क आया, 20 का फ़र्क आया, ठीक है, 20% का फ़र्क आया, 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 15 के, ठीक है। अपने को 40% ज्ञात करना है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, कितना, 2 गुना, तो ये वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी, यानी 30 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है, 17 कम करने में, 17 कम करने पर कितनी हो जाती है, तो वो हो जाती है 83%, ठीक है, 83% की वैल्यू 498 के बराबर है, तो ये कितने बार घटेगा, ये 6 से गुणा हो रहा है, ठीक है, तो 6 से गुणा हो रहा है, ये 1% की वैल्यू है, तो 100% ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, यानी 600 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि वीडियो बढ़िया लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 160 का 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपन को लिख लेना है, यानी 160 का 15%, ठीक है, 15% आया, नीचे 100 लगाया, ठीक है, बराबर में कितना जोड़ा जाए, यानी x का योग 240 के बराबर हो जाए, ठीक है, तो 240 और 25% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/4, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1/4। अब इसको काट देंगे, यानी 4 6 24, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है 60, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 2 10, 5 2 8 16, 8 3 24, 24 + x हो जाएगा, ठीक है, 24 + x, जब ये उधर जाएंगे तो 60 में से 24 गए तो 36 आएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी, 36 में कुछ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, यानी इस
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या का 10% घटाई जाती है तो परिणामी 30 आता है, तो संख्या क्या है? इसमें भी क्या करना है, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है, ठीक है, 100% होती है, और 10%, 10% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 10% को फ्रैक्शन में हम 1/10 लिखते हैं, ठीक है, 10% परसेंट बटे वह 100% है, 100 लगाया, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/10 लिखते हैं, ठीक है। 10 में 1 की कमी, मतलब घटाया जा रहा है, तो 10 में 1 घटा रहा है तो कितना बचा, 9, 9 की वैल्यू दे रखी है 30, ठीक है, तो 3 3 9, 3 2 30, ठीक है, यानी 1:1 की वैल्यू आ चुकी है 10/3, यानी 100% याद करना अपन को, तो 3 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, यानी ठीक है, तो 33 सही, 1/3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर होता है? कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे अपन को इस क्वेश्चन को लिख लेना है, ठीक है, यानी 90 का हटाएंगे, गुणा लगाएंगे, 83 सही 1/3% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 5/6, ठीक है, 5/6, ठीक है, 5/6 कैसा आया, तो 83 को जब 3 को 83 से गुणा करा तो कितना आएगा, 3 3 9, 9 में 1 जोड़ा तो 10, 10 को 0, हासिल को 1, 3 8 24 1 25, ठीक है, 250% हटाया नीचे 100, ठीक है, अब इसको काट देंगे, 5 5 25, 5 5 30, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब कितने रुपए का, यानी x का, यानी गुणा 60% हटाया नीचे 100 लगाया, ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो अपने इसको काट दिया, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, 3 2 6, 2 2 4, ठीक है, अब ये इससे कटेगा तो ये 25 बार, ठीक है, 25 × 5, यानी 125, यानी x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 125 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग, पहली संख्या का क्या 28/5 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहले संख्या याद करनी है, यानी दो संख्याओं का योग, यानी x + y, उनका योग जो है, पहली संख्या क्या है 25, ठीक है, तो पहली संख्या बटेवा में लिख लेंगे, और 28/25, तो पहली संख्या 25 है और उनका योग 28 है, तो पहली संख्या 25, यानी 25 यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, तो 3 रखेंगे, ठीक है, तो 3 हो जाएगा दूसरी संख्या। अब ये कह रहा वैसे वैसे करना है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या कितनी है 25, दूसरी संख्या कितनी है 3, तो 25 लिख लेंगे बटाओ में, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, अब इसको काट देंगे, तो 25 चौक 100, 3 इससे गुणा होकर कितना हो जाएगा, 4 3 12, यानी 12% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 25% कम करने पर वो संख्या 225 हो जाती है, तो इसे कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि 390 हो जाए, ठीक है, पहले मूल संख्या निकालना पड़ेगा अपन को, तो 25% कम करने पे, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है, 100% होती है, तो 25% कम करने पे यानी 75, ठीक है, 75 की वैल्यू है 225 के बराबर, 5 25 75, 25 नाम का 225, और 1:1 की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 100% बराबर 300, अब 300 से अपन को 390 करना है, ठीक है, तो कितने वृद्धि की हमने, कितनी वृद्धि की, तो 90 की वृद्धि की, ठीक है, किस पे की, तो मूल संख्या कितनी है 300, 300 बटाओ में लिख लेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, और 3 3 9, यानी 30 आ जाएगा, 30 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 30% तक उसको बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या के
कि मैं पहले 20% और पुनः 20% की वृद्धि की गई बड़ी हुई संख्या में को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि ये प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो इसको हम सक्सेसिव केस से सोल्व करेंगे। सक्सेसिव केस क्या होता है, लगातार चल रहा है, ठीक है। तो सक्सेसिव केस इसको 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, परसेंट हटाया नीचे 100 लगाया, ठीक है। अब इसको काटेंगे 5, 20 से कम 20, 20 × 5 = 100, यानी 20% को फ्रैक्शन में हम 1/5 लिखते हैं, ठीक है। 5 में 1 की वृद्धि यानी 6 हो जाएगा। फिर 20% की वृद्धि यानी वही 5 में 1 की वृद्धि 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो रहा है। अब क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यू को आपस में गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा 25 और यहाँ पर हो जाएगा 36, ठीक है। तो कितनी की वृद्धि हो रही है यहाँ पे, 5 और 6 = 11 की वृद्धि हो रही है। किस पर, पहले थी 25 अब होगी 36, तो 11 की वृद्धि हो रही है किस पे, 25 पर। तो यहाँ पे लिख देंगे बटाव में 25, ठीक है। और परसेंट निकालने के लिए अपन को 100 से गुणा करना होगा, 25 जो 100 हो जाएगा, 11 4 से गुणा होकर 44, यानी 44% तक कम करना चाहिए, ठीक है। 44 पर की वृद्धि हो रही है, तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का मान वाई के मान से 25% कम है। पहले क्या करना है इसमें, एक्स यहाँ पे लिख देंगे एस और यहाँ पे लिख देंगे वाई, ठीक है। 25% कम करना है किसके, वाई से। तो वाई 100 होती है, वाई अपने आप में 100 है, उसमें 25% कम किया यानी 100 में से 25 गए तो यहाँ पर आएगा 75, ठीक है, 75 आएगा। अब इसको हम काट देंगे, 25 दिया 75, 25 चौक 100, न्यू रेशियो आ चुका है एक्स का और वाई का 3:4 आ चुका है, ठीक है। तो वाई का मान एक्स के मान से कितना प्रतिशत अधिक है, तो वाई का मान कितना अधिक है, 1 अधिक है, किससे, एक्स से, ठीक है। तो 1 अधिक है किससे, वाई से, मतलब ठीक है एक्स से, एक से 1 अधिक है ना वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो वो काट देंगे, 3 × 9 बचा 1/3, यानी 33% अधिक है, 33 सही 1/3% अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज का टॉपिक समाप्त हो चुका है और इसी का ही नेक्स्ट वीडियो अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं हर टॉपिक को आपके सामने क्लियर करता जाऊँगा। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़ दोस्तों, आपका इतना फ़र्ज तो बनता ही है, लाइक और सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।